हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल दनील हेल्थ। मैं हूं आपका दोस्त नितिन, और आज बात करेंगे जिन लोगों को स्किन यानी त्वचा से संबंधित कोई भी समस्या है तो उनके लिए यह वीडियो अत्यंत हेल्पफुल होने वाला है। अगर वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते हैं तो आपको इसकी संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर आपने स्किप किया तो आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस कर सकते हैं। तो आज रिव्यू करेंगे महामंजिष्ठादि क्वाथ यानी काढ़ा के बारे में। ये काफ़ी पुराना और ऋषि मुनियों का फॉर्मूला है। ज़्यादा यूज़फुल होने की वजह से मार्केट में अलग अलग कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, जैसे कि डाबर है, सरमायू है, मुल्तानी है, बैद्यनाथ जैसी और भी कंपनियों के अवेलेबल हैं। जो आपको ट्रस्टेड लगे वो आप परचेज कर सकते हैं। तो बात करेंगे इसके यूजेज यानी फ़ायदे के बारे में, तथा इन्ग्रीडियंट्स और हाउ टू डोजेज के बारे में, और साइड इफ़ेक्ट के बारे में, और पैक्सेज और प्राइस के बारे में। बात अगर इसके यूजेज की करें तो त्वचा से रिलेटिव जो भी दिक्कतें हैं, जैसे कि दांत, खाज, खुजली, एक्जिमा को ठीक करने का कार्य करता है, तथा कितनी भी पुरानी एलर्जी हो ये उसे भी ठीक करता है, तथा ये ब्लड को प्योरीफायर करने का कार्य भी करता है, जिससे कि चेहरे पर झाइयाँ, कील, मुहासे, पिंपल को भी ठीक करता है, और चेहरे पर ग्लो यानी निखार आता है, और ये बॉडी को डिटॉक्स करता है, जिससे कि टॉक्सिक यानी शरीर से हानिकारक पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, और इसमें एंटी बैक्टीरियल तथा एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं, जो कि स्किन डिजीज़ के लिए अत्यंत लाभकारी है, और इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं, जिससे कि किसी चोट के कारण आई स्वेलिंग यानी सूजन को भी कम करता है। इसके साथ ही यह मोटे व्यक्तियों का वजन कम करने का भी कार्य करता है, तथा लाल लाल चकत्ते होना, फुंसी तथा फोड़े होना, ये फोड़े से होने वाले घाव को भी जल्दी भरता है। ये तो थे इसके फायदे। अब इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें मंजिष्ठा है, मुस्ता है, कुटज है, गिलोय है, दारू हल्दी है, महुआ फूल है, रक्त चंदन है, अनंत मूल है, नीम है, सारबा है, भ्रंगराज और बकुची, त्रिफला है, कटुकी, खदिर, बिदांग और शतावरी जैसे और भी महत्वपूर्ण इन्ग्रीडियंट्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिला है। बात करते हैं इसके हाउ टू डोजेस के बारे में। तो वैसे तो डोज पेशेंट की हिस्ट्री और सेवियरिटी को देख के ही डिसाइड की जाती है। वही जनरली डोज की बात करें तो 15 से 20 ml BD यानी सुबह शाम लेना है, आफ्टर मील, खाना खाने के बाद, गुनगुने पानी के साथ, या अपने चिकित्सक से कंसल्ट करके ले सकते हैं। बात अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की करें तो इससे कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिला है, क्योंकि एक आयुर्वेदिक यानी हर्बल प्रोडक्ट है, तथा इसे लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। मगर फिर भी अगर किसी को कोई भी साइड इफ़ेक्ट दिखाई दे, जैसे नौजिया, वॉमिटिंग या हेल्थ में कोई अदर इशू दिखाई दे, तो वो इसे लेना रोक दे तथा अपने चिकित्सक से कंसल्ट करें। और इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखना है, ठंडी और सूखी जगह पर रखें, क्योंकि ज़्यादा धूप में रखने से ये ख़राब भी हो सकता है। भाई बात अगर ब्रेस्ट फीडिंग महिला या प्रेग्नेंट महिला की करें तो इन लोगों को ये अलाउ नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी पीरियड में कोई भी अननेसेसरी टैबलेट या अदर मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। अगर आवश्यकता है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर पहुँचते रहेंगे। और जिन आपके फ्रेंड या रिलेटिव को आवश्यकता है उनको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। बात करते हैं इसके पैक्सेज और प्राइस के बारे में। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मार्केट में अलग अलग ब्रांड के अवेलेबल हैं, हम बात कर रहे हैं बैद्यनाथ के महामंजिष्ठादि काढ़ा के बारे में। इसका जो प्राइस है वो 160 रुपये के समथिंग की मिल जाएगी, 450 ml में। फ्रेंड्स, मैं इसके एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता सकता, क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, तथा ये अधिकांश मेडिकल स्टोर और आयुर्वेदिक स्टोर पर उपलब्ध है। अगर किसी कारण आपको नहीं भी मिलता है तो आप इसे ऑनलाइन नेटमेड, बनएमजी या फ्लिपकार्ट या कोई अदर साइट से भी परचेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।